हाँ राणे पहुंच गए। यस सर। फोन वो दिखाई दे रहे हैं वहां पे? जी सर। गुड, जाके बैग रख दो, जाओ। लेकिन सर वहां तो कोई नहीं है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे राणे तुम? कोई आरती की थाल लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा वहां पे। जस्ट लीव द गॉडडैम बैग देयर और निकलो वहां से जल्दी। आई होप बात बन जाए, ये बला मेरे सर से हमेशा हमेशा के लिए टल जाए। मीरा सिंघानिया जैसी इतनी बड़ी लॉयर के अगेंस्ट केस लड़ने के लिए फीस भी ज्यादा ही लगेगी। एक पेशी का कम से कम 60,000 रुपए। अरे वाजपेयी जी, केस तो मैं लड़ लूंगा, लेकिन आपको मेरे हिसाब से लड़ना पड़ेगा। कुछ कीचड़ आपके ऊपर उछलेगा तो कुछ आपको भी उछालना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो बताइए। अरे भैया क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना और दूसरे का? आपके सामने बहुत बड़ा आदमी है वैभव कपूर। मेरी मानो तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। कोर्ट में केस तो बाद में लड़ा जाएगा, असली जंग तो ये मासूम बच्चा लड़ रहा है। वो मैम, आप डैडा और मेरे वजह से बहुत परेशान हो रही हो, लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतने ही दिन और है, फिर आप चली जाओगी। हाँ पिंकी प्रॉमिस, मैं आपको रोकने की कोशिश नहीं करूँगा। हाँ चली जाऊंगी। लेकिन केस जीतने के बाद मिस्टर बाजपेई, मुझे नहीं पता मेरा ये फैसला सुनकर आपको कैसा लगेगा, लेकिन जब तक आप ये केस नहीं जीत जाते मैं यहीं रुकूंगी। मैं आपको और यथु को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। योर ऑनर, ये केस मास्टर यथार्थ बाजपेई की कस्टडी का है, जो इस वक्त अपने फादर मानव बाजपेई के साथ रहते हैं। मेरी क्लाइंट आकांक्षा बाजपेई, जो कि यथार्थ की मदर हैं, उनका ये दावा है कि यथार्थ की मेंटल हेल्थ और ग्रोथ के लिए उनका उनके फादर के साथ रहना बिल्कुल सही नहीं है, लिहाजा उन्होंने अदालत से यथार्थ की कस्टडी की मांग की है। योर ऑनर, मैं सबसे पहले आकांक्षा बाजपेई को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू। मिस आकांक्षा, क्या आप अदालत को बताना चाहेंगी कि शादी के 8 साल बाद आपने मानव बाजपेई को छोड़ने का फैसला क्यों लिया? मैं वो घर और मानव को छोड़कर नहीं आई थी, बल्कि मैं अपनी जान बचाकर मानव से डर कर वहां से भागी थी। और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो आज इस अदालत में मैं अपने बच्चे की कस्टडी के लिए फाइट नहीं कर रही होती, बल्कि इसी अदालत में मानव पर मेरे कत्ल का केस चल रहा होता, क्योंकि ये अब तक मुझे जान से मार चुका होता। प्लीज, मैं कुछ समझी नहीं। आई मीन, आप जैसी नेक सक्सेसफुल ब्यूटीफुल वाइफ को उसका पति क्यों मारेगा? क्या दुश्मनी हो सकती है उसे? प्लीज आप कोर्ट को खोल के बताएंगे? जज साहब, अक्सर जब बीवी अपने पति से 2 कदम आगे होती है, उससे ज्यादा कामयाब होती है, तो ये
पति से सहन नहीं होता, ये बात उसे हजम ही नहीं होती। मानव के साथ भी ऐसा ही हुआ, इसे मुझसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, और ये आज की बात नहीं है, पहले दिन से ही ऐसा है। जब हमारी शादी हुई तो शुरू शुरू में ये बहुत खुश था कि इसे इतनी खूबसूरत बीवी, घर को संभालने वाली बीवी मिली है, पर ये सच और तारीफ लोगों के मुंह से सुन सुन के इसे तकलीफ होने लगी। जज साहब, इसके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मुझे घुट घुट के जीना पड़ा, मैंने अपनी बहुत ख्वाहिशें मारी हैं। और जब हम इंदौर शिफ्ट हो गए तो इंदौर के लोगों ने मुझे पहचान लिया और उन्हें पता चल गया कि मैं मिस इंदौर रह चुकी हूं। बस फिर क्या था, लोग इसके मुंह पे कहने लगे कि कौए की चोंच में मोती वाली कहावत सच हो गई। अपनी इसी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से डील करने और अपनी ही नजरों में खुद को मर्द साबित करने के लिए ये आदमी शराब पीने लगा और दूसरी औरतों पर पैसे उड़ाने लगा। इसकी अय्याशियों की वजह से घर में पैसों की किल्लत होने लगी। मैं सब कुछ सह लेती जज साहब, लेकिन मेरी अंदर की माँ ये सब कुछ नहीं सह पाई। मुझे अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में भी सोचना था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद काम करना शुरू करूं। मैंने मॉडलिंग करनी स्टार्ट की और मुझे उसमें सक्सेस भी मिली, लेकिन ये भी उस आदमी से देखा नहीं गया। वो मुझे गाली देने लगा, मुझे मारने लगा, मुझे फिजिकली मेंटली टॉर्चर करने लगा, और जब ये सब चीजें मेरी बर्दाश्त से बाहर चली गई तो मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। मिस आकांक्षा जी, संभालिए खुद को। जज साहब, मैंने जो भी तकलीफें सही, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए, मैं उससे मिलने के लिए मर ही जा रही हूँ, पर ये आदमी मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं देता। जज साहब, मुझसे 10 करोड़ की मांग करता है, कहता है 10 करोड़ दे दो और बदले में अपने बच्चे की कस्टडी ले लो। जज साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे बच्चे की कस्टडी दे दीजिए, मुझे मेरे बच्चे की कस्टडी दे दीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।